ऑटो स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदे का सौदा साबित हो सकता है। आज के समय में ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है। आज के समय में ऑटो पार्ट स्टोर्स का बिजनेस करना एक काफी फायदेमंद बिजनेस है। साल 2013 में देश में बेची जाने वाली कई नई कारों की संख्या में काफी नाटकीय रूप से गिरावट आई थी, जिसका साफ मतलब है कि पुरानी कारों को जल्दी ही नए स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़ेगी। सबसे अच्छी बात है कि इस तरह के बिजनेस के लिए सभी तरह के संकट केवल फायदेमंद साबित होते हैं। कितने बजट में शुरू होगा आपका बिजनेस? किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपके बिजनेस के बजट का ही सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। अच्छी बात यह है कि इस काम को शुरू करने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिजनेस शुरू करने के लिए आपका 80,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का खर्चा आ जाएगा। हालांकि सबसे ज्यादा आपके बिजनेस मॉडल और आपके बिजनेस के आकार पर निर्भर करता है कि आप कितने बड़े लेवल से इसे शुरू करेंगे, लेकिन स्टार्टअप की शुरुआत में आपके पास कम से कम 1,00,000 रुपए तक का बजट होना चाहिए, जिससे इस काम को शुरू करने के लिए आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। इसके साथ ही आप अपनी वर्कशॉप में किस तरह के उपकरण रखते हैं और उससे कैसे सर्विस देते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर आप खुद की शॉप या एरिया में इस काम को शुरू करना चाहते हैं तो आपका हर महीने का रेंट का खर्च बच जाएगा, और शुरू में आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना खर्च करना चाहते हैं ये भी काफी जरूरी है, जिससे आपका फाइनल बजट तय होगा। कितने कर्मचारियों के साथ आप शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस? ये एक ऐसा काम है जिसमें आपको कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी ही, आप अकेले इस काम को नहीं कर सकेंगे। हालांकि आप शुरुआत में 3 से 4 कामकाजी होशियार और ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं जिन्हें ऑटो रिपेयरिंग के बारे में पता हो और इस फील्ड में उन्होंने ये काम किया हो, जिससे आपको अपने काम में कोई नुकसान ना हो। व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको किन उपकरणों की पड़ेगी जरूरत? जगह, ये उन कामों में से है जिसे आप घर में नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक दुकान या फिर एक ऐसी जगह की जरूरत पड़ेगी जहां आप आपके पास रिपेयर के लिए आने वाली गाड़ियों को उनकी मरम्मत के लिए खड़ी कर सकें और आपका काम आराम से हो सके। अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तो आपको इस काम को खोलने के लिए कोई गैराज या फिर ऐसी जगह रेंट पर लेनी पड़ेगी जहाँ आपका काम चल सके। मैकेनिक, ऑटो रिपेयरिंग के लिए आपको ऐसे कारीगर की जरूरत पड़ेगी जिन्हें इस काम की अच्छी खासी जानकारी हो या उन्होंने पहले इस काम को किया हो। अगर आपके मैकेनिक सही नहीं होंगे और सही से काम नहीं करेंगे तो आपके गैराज में लोग फिर से गाड़ी नहीं सही कराने आएंगे। साथ ही आपको भी इस फील्ड में अच्छी खासी ना सही लेकिन बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ऑटो पार्ट्स, अगर आप ऑटो रिपेयर बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको अपनी वर्कशॉप में ग्राहकों की गाड़ियों को ठीक कराने के लिए ऑटो पार्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको इस काम के लिए हमेशा ही गाड़ियों के पार्ट्स को रखना पड़ेगा, और अगर आपके पास ये पार्ट्स नहीं है तो आपके कॉन्टैक्ट ऐसे होने चाहिए कि जहां से आप इन्हें अरेंज करा सकें। कहां से खरीद सकते हैं ऑटो पार्ट्स का सामान? अपने ऑटो रिपेयरिंग शॉप के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने शहर के डिस्ट्रीब्यूटर्स या कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। इस हर शहर गांव में इस काम के डिस्ट्रीब्यूटर आसानी से मिल जाते हैं जो ऑटो पार्ट्स की सेल बड़े पैमाने पर करते हैं, यानी आपको आसानी से इनका सामान मिल जाएगा। ट्रेनिंग और मीटिंग से हासिल करें ज्यादा जानकारी। इस फील्ड में अधिक जानकारी के लिए किसी ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग या मीटिंग में आप जा सकेंगे, यानी इस काम के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आपको बाकी बिजनेसमैन की मीटिंग में आपको जाना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको इस बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। बिजनेस के लिए लोकेशन, ऑटो रिपेयर की शॉप या वर्कशॉप के लिए आप ऐसी जगह चुनें जहां गाड़ियां आराम से आ सकें। वर्कशॉप के अंदर भी आपके पास काफी जगह होनी चाहिए जहां आपके कर्मचारियों को भी गाड़ियों का काम करने में भी कोई परेशानी ना हो। अगर आप किसी ऐसी जगह अपनी वर्कशॉप खोलते हैं जहां दिन रात लोग अपनी गाड़ियां लेकर निकलते हैं तो वहां आपको अपने काम में काफी मुनाफा होगा। वर्कशॉप के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, किसी भी बिजनेस को खोलने के लिए आपको जरूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ती है। आपको भी इस बिजनेस के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी और व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऑटो रिपेयर शॉप के लिए एडवर्टीजमेंट, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको सबसे सही तरीके से एक कार डीलरशिप और अपने नेटवर्किंग के साथ अपने रिश्ते स्थापित करने पड़ते हैं। इसके साथ ही कई लोगों की खुद की ऑटो रिपेयरिंग की शॉप नहीं होती और वो अपने ग्राहकों को पास के ऑटो रिपेयरिंग वर्कशॉप में मरम्मत के लिए भेजते हैं, और अगर किसी डीलर को पता है कि आप कार या बाइक को सही तरीके से ठीक करने में माहिर हैं तो वो भी अपने पास अपने ग्राहकों को उनकी गाड़ियां ठीक करने के लिए भेज सकता है। साथ ही इससे अलग आपको सोशल मीडिया या फिर ऑफलाइन तरीकों से भी अपने वर्कशॉप का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ऑटो वर्कशॉप बिजनेस करने के लिए जरूरी बातों का रखें ख्याल। सर्विस के टाइप्स, किसी भी काम को चलाने के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आप ग्राहकों को कैसे सर्विस देते हैं। आप चाहें तो टायर बदलने या फिर ऑयल चेंजिंग बेसिक सेवाएं दे सकते हैं, या फिर गाड़ियों की मरम्मत, इंजन का काम या गाड़ियों के बाकी कामों की सेवाएं भी अपने ग्राहकों को दे सकते हैं।
वर्तमान या नई दुकान। अपने काम को निर्धारित करना भी जरूरी है। आप किस तरह की वर्कशॉप की शुरुआत करेंगे। नई दुकान का मतलब कि आप अपनी वर्कशॉप में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और टूल सहित बाकी सामान नया खरीदना चाहते हैं। इसके साथ ही वर्तमान दुकान खरीदने का अर्थ ये है कि आपके पास पहले से ही सब सामान और इसके जरिए ही अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ऑटो रिपेयर की दुकान खोलने से पहले आपको ये बात साफ करनी पड़ेगी कि किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं या फिर अपनी खुद की दुकान खोलना चाहते हैं। अगर आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कंपनी का भुगतान करना पड़ता है, जबकि अपनी दुकान के लिए आपके पास पैसे बचते हैं। कितना होगा आपका प्रॉफिट? अगर आपका काम सही है और अपने ग्राहकों का विश्वास आपने जीत लिया है तो आप ठीक ठाक प्रॉफिट कमा सकते हैं, और अगर आपकी सर्विस सही नहीं है तो आपका काम ठीक नहीं चलेगा। रिपेयरिंग के साथ स्पेयर पार्ट्स का काम भी कर सकते हैं आप। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं तो आप ऑटो सर्विस के साथ साथ ऑटो पार्ट्स और उसके स्पेयर पार्ट्स का भी काम कर सकते हैं। इसमें आपका फ़ायदा भी होगा। मार्केट में हर दिन कई गाड़ियां खरीदी और बेची जाती हैं। इसके साथ ही बहुत सी गाड़ियां ख़राब भी होती हैं और सर्विस के लिए वर्कशॉप पर आती हैं। इसके लिए हर रोज़ कई वाहनों के पार्ट्स बदले भी जाते हैं। ऐसे में अगर साइड बाय साइड आप अगर इस काम को शुरू करते हैं तो आपको डबल फ़ायदा मिलेगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।